हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन इतिहास का पेपर वन का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 तक ऑलरेडी हमने सारा वीडियो बना दिया है। चैप्टर नंबर 4 तक एक एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। उस चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सारा कुछ क्वेश्चन हमने कवर करवा दिया है। तो आज हम चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं और चैप्टर 5 में आपका नाम है चैप्टर 5 का सुंग वंश। सुंग वंश आपके चैप्टर 5 का नाम है। एक्चुअली फैन चालू होना बंद हो गया था, तो सुंग वंश आपका नाम है चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट सुंग वंश होता है क्योंकि सुंग वंश की जो शुरुआत होती है वो मौर्य साम्राज्य के बाद होती है। मौर्य साम्राज्य का अंत होता है और सुंग वंश की शुरुआत होती है। मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे होता है, कैसे सुंग वंश की शुरुआत होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी और बहुत बार इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो मौर्य साम्राज्य को खत्म करने में नाम आता है पुष्यमित्र सुंग का और इसी के नाम पर सुंग वंश की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आखिरी वंशज कौन था मौर्य साम्राज्य का, पुष्यमित्र सुंग जो है कौन था और इसने कैसे सुंग वंश की स्थापना की, सुंग वंश का स्थापक कौन था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इससे बनते हैं। तो पुष्यमित्र सुंग जो था वो मौर्य साम्राज्य के आखिरी वंशज का सेनापति था। मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे अशोक के बाद से बहुत ज़्यादा लूज होना शुरू हो गया था। अगर हम डायरेक्टिव हेड की तरफ से देखें या फिर राजनीतिक तरीके से देखें तो अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया, अशोक का जब कलिंग पर आक्रमण होता है तो आक्रमण के बाद क्या होता है, अशोक का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। वो मारकाट में ध्यान नहीं देता है, वो अहिंसा की तरफ चला जाता है, फिर धर्म प्रचार में ज़्यादा ध्यान देने लगता है। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे और बेटी को भी श्रीलंका भेज दिया था धर्म प्रचार के लिए। तो उसका जो माइंडसेट था वो राजा के माइंडसेट से हट करके अब एक धर्म प्रचारक का माइंडसेट हो चुका था। तो जब भी आप देखेंगे किसी कोई राजा इस तरह का होगा तो प्रजा मान लिया उसकी बात मानेगी, लेकिन उसका सेना जो होगी, क्योंकि सेना का काम क्या था, लड़ाई करना, अब उससे आप भक्ति करवाओगे तो उनका माहौल बैठ नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे के जो है पूरक नहीं बन पा रहे थे और दूसरे जो राजा थे वो राजा लोग भी धीरे धीरे आक्रमण कर रहे थे। यौनों का आक्रमण धीरे धीरे शुरुआत हो रहा था, बहुत सारे राज्यों पर यौनों का आक्रमण हो रहा था। बाहर से यूरोपियन आ रहे थे, आक्रमण होता जा रहा था। तो ऐसा देखने पर पुष्यमित्र सुंग को लगा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो अशोक के बाद धीरे धीरे और भी आगे उनके वंशज में चलता रहा। तो पुष्यमित्र सुंग ने देखा अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी भारत की जो संस्कृति है मिट जाएगी। यौन आक्रमण बार बार हो रहे हैं, बार बार उनका प्रयास हो रहा है कि यौन आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे भारत की संस्कृति मिट जाएगी और हमारे भारतीय जो साम्राज्य है ये खत्म हो जाएगा और उनका आक्रमण हो जाएगा। तो इसने पुष्यमित्र सुंग ने विद्रोह किया और राजा को देवभूति को मार करके खुद राजा बनता है ये, और वहां से शुरू होती है सुंग वंश की शुरुआत पुष्यमित्र सुंग की। अब पुष्यमित्र सुंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिन घटनाओं के कारण पुष्यमित्र सुंग को बहुत बार याद किया जाता है। बहुत सारे जो अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, भारतीय इतिहास की बात करें, भारतीय लेखकों की पुराणों की बात करें तो इसको बहुत ही अच्छा राजा माना गया है, इसको बहुत ही पावरफुल राजा माना गया है। और वैदिक धर्म जो हमारा सांस्कृतिक हमारा पारंपरिक धर्म था उस धर्म को जगाने में, उस धर्म को आगे ले जाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके अगर पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं की बात की जाए तो इसमें पहला घटना आता है आपका विदर्भ युद्ध। विदर्भ युद्ध आता है यानी कि युद्ध होता है, विदर्भ यानी कि अंदर ही जो उनके कुछ सेना में युद्ध हो जाता है, यानी कि अंदर ही अंदर उसके खिलाफ कुछ साजिश चल रही होती है तो उसको वो निपटाता है, विदर्भ युद्ध करता है। और दूसरा होता है यवनों का आक्रमण, विदेशी आक्रमण इस पर होता है भारत पर पहली बार और उस आक्रमण का ये पूरी तरह से जवाब देता है और यौनों को पराजित करके भारत से फिर से भगा देता है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में भी इसका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था उस समय यौनों का आक्रमण को रोकने के लिए। और उसके बहुत समय बाद फिर सिकंदर कभी भारत पर आया था तो इस तरह से यौनों के आक्रमण को उस समय पुष्यमित्र सुंग ने रोका था, ये बहुत बड़ी उपाधि थी। और यौनों का आक्रमण रोकने के बाद उसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। दुनिया के इतिहास में पहला व्यक्ति जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो भी डबल डबल, राम ने करवाया था अश्वमेध यज्ञ, आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा। और इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जब यौनों का आक्रमण जीतता है तब और एक अपने लाइफ के अंतिम दिनों में, यानी कि जब वो राज्य छोड़ा था 26 वर्षों तक पुराणों में बताया गया है कि पुष्यमित्र सुंग ने शासन किया था। तो अपने शासन के अंतिम समय में उसने एक यज्ञ करवाया और एक जब उसने यौनों को हराया तब उसमें इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था और ये इसका जो है वैदिक कल्चर से बड़ा लगाव था, ये वैदिक कल्चर को वापस लाना चाहता था। संस्कृति जो हम केवल कृतियों में काव्यों में देखते थे ना संस्कृत भाषा को, उसको इसके शासनकाल में जो था सब आम हो गया था, यानी कि आम लोगों के जीवन भाषा में भी संस्कृत आ चुकी थी।
तो एक तरह से देखें तो इसका बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जगहों पर इसका वाहवाही किया है, इसके बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखा है कि ये बहुत बेहतरीन शासक हुआ, इसके राज्य में बहुत सारे कुछ अच्छे कार्य भी किए गए। तो दोस्तों ये था मतलब पुष्यमित्र सुंग का पूरा शासनकाल कि किस तरह से उसने शासन किया। फिर धीरे धीरे आगे इसके भी जो वंशज आते गए, इसके कुल 10 वंशजों ने राज किया था, यानी कि टोटल इसकी राज की अगर बात की जाए तो काफी लंबा राजकाल चला था। ये अकेले 26 वर्षों तक इसने शासन किया था, तो आप जान सकते हैं कि इसने कितना स्ट्रांग उस शासन को बना दिया था। और इसके लगभग 10वें वंशज पे जा करके यवनों ने आक्रमण किया था, फिर वो जीते थे। तो इस तरह से इसका जो शासनकाल था काफी इंपॉर्टेंट था और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इसके बाद की वीडियोज में हम लगभग उसमें 65 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से और बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन, तो हम आपको वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे आगे की वीडियोज में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बीए में है ना तो इससे बेटर चैनल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप जाकर के इस चैनल पर एक बार विजिट करके देखो। आप बीए में हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आपका थर्ड ईयर हो, लास्ट ईयर हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, आप जाकर के देखो प्लेलिस्ट में हर ईयर का हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। तो एक बार जाकर के विजिट करना, अगर आपको वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।